हेलो फ्रेंड्स, इस तेज कड़कड़ाती धूप गर्मी में आज हम बनाएंगे बहुत ही ठंडा ठंडा एकदम रिफ्रेशिंग शिकंजी की रेसिपी, जिसे आप बना के आप महीनों स्टोर करके रख सकते हैं और जब चाहें तब इसे फटाफट घोलकर आप शिकंजी को तैयार कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी को अंत तक देखिए, अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम बनाएंगे मसाला। तो शिकंजी के लिए हम सबसे पहले बनाएंगे मसाला। तो यहाँ पर मैंने एक मिक्सर जार लिया है, जार में डाल देंगे सौंफ। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच सौंफ डाल दी है। यहाँ पर डाल देंगे थोड़ा सा काली मिर्च, बहुत ही ज़रा सा हम डालेंगे। काली मिर्च डालने के बाद यहाँ पर डालेंगे 2 इलायची के दाने। यहाँ पर डालेंगे फ्रेंड्स चीनी, यहाँ पर मैं थोड़ा सा चीनी डाल रही हूँ। और फ्रेंड्स यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डालेंगे हम थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर, बहुत ही ज़रा सा हम डालेंगे, यहाँ पर चुटकी भर डालेंगे। और इसे अच्छे तरीके से हम इसे अब पीस लेंगे, एकदम पाउडर जैसा हमें बना लेना है इसे। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से आपने पाउडर पीस कर तैयार कर लेना है। ये हमारा मसाला बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स हमने पाउडर पीस कर यहाँ पर तैयार कर लिया। अब इसे क्या करेंगे, हम इसे हम छानेंगे। सबसे पहले इसके अंदर जो भी होंगे चीज़ें हमने जो पीसी है, इलायची के दाने के छिलका, ये जो भी है, जो भी गुठलियाँ होंगी वो अच्छे तरीके से निकल जाएंगी। तो यहाँ पर हम फटाफट इसे छान लेते हैं। इस तरीके से आपको पाउडर को छान लेना है, छान के हमें अलग कर लेना है इसे। ये देखिए कुछ इस तरीके से निकल चुका है। तो ये हमने छान कर अलग कर लिया है फ्रेंड्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरीके से कुछ छान लिया है। छानने के बाद इसे हम क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। तो यहाँ पर कांच की शीशी हमने ली है। तो ये देखिए इसमें हम इसमें भर देंगे पाउडर को। और जब भी आपको शिकंजी पीने का मन हो, आप इसे 2 चम्मच पानी में घोलो, 1 गिलास पानी में, और इसे शिकंजी बनाकर तैयार करें। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी लगेगा, मज़ा आ जाएगा इस शिकंजी को पी के। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम इसे अच्छे तरीके से पैक कर देते हैं। जब भी आपका पीने का मन हो, आप इसे 1 गिलास में 2 चम्मच घोले और आराम से शिकंजी बनाकर पी सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ले लिया मैं नींबू। नींबू को काट कर अच्छे तरीके से इसका हम जूस निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम बाउल में इस जूस को निकाल लेते हैं। तो ये देखिए जूस आपको, लेमन का जूस आपको निकाल लेना है। यहाँ पर मैंने निकाल लिया है। अब क्या करेंगे, हम एक बड़ा बाउल लेंगे और इसमें हम बनाएंगे शिकंजी। शिकंजी कैसे बनाना है आपको, यहाँ पर हम पहले पाउडर को डालेंगे। तो यहाँ पर हम पाउडर सबसे पहले डालेंगे। तो ये देखिए पाउडर मैंने डाल लिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम पानी डालेंगे। तो अच्छे तरीके से हमें पानी डाल देना है। अब अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे इसे। तो आप देख सकते हैं कलर भी कितना बढ़िया लग रहा है पीने में, तो सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। अब ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बना था शिकंजी। यहाँ पर जो हमने नींबू का रस निकाला था, इसे हम यहाँ पर डाल देंगे। इसे डालने के बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पर डालेंगे नमक। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर डालते हैं हम काला नमक। तो यहाँ पर 1/2 टेबल स्पून काला नमक डालेंगे। थोड़ी सी डाल देंगे यहाँ पर चिली फ्लेक्स भी मैंने डाल दिया है यहाँ पर। अब क्या करेंगे, यहाँ पर डालेंगे भुना हुआ जीरा। तो यहाँ पर जीरा डाल देंगे। तो फ्रेंड जीरा को पहले अच्छे तरीके से आपको भून लेना है, भून के पीस के। यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैंने डाल दिया है जीरा। इसे अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे। तो हमारी शिकंजी बहुत ही बढ़िया तरीके से एकदम तैयार है। अब इसमें क्या करेंगे, हम डालेंगे यहाँ पर आइस के क्यूब डाल देंगे यहाँ पर। ये हमारी ठंडी ठंडी शिकंजी बनकर बिल्कुल रेडी है। अब क्या करेंगे, इसे हम करेंगे सर्व। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर ग्लास। तो यहाँ पर 2 कांच के ग्लास मैंने ले लिया है। यहाँ पर सबसे पहले नींबू निचोड़ेंगे। तो आधी आधी नींबू हम दोनों ग्लास में इसका जूस निकाल लेंगे। तो ये देखिए दोनों ग्लास में हम आधी आधी नींबू को डाल देंगे। यहाँ पर डालेंगे सबसे पहले काला नमक। यहाँ पर चुटकी चुटकी भर हम यहाँ पर काला नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद यहाँ पर डालेंगे हम जीरा पाउडर। यहाँ पर भुना हुआ जीरा डालेंगे थोड़ा थोड़ा। ये डालने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर डालेंगे अब शिकंजी जो हमने बना रखी है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ग्लास को हम भर देंगे शिकंजी से। तो ये लीजिए हमारी शिकंजी बनकर बिल्कुल तैयार है फ्रेंड्स।
ये हमारा ठंडा ठंडा शिकंजी तैयार है। यहाँ पे लगा देंगे नींबू काट के। तो ये लीजिए हमारा एकदम रिफ्रेशिंग मज़ेदार सी एकदम शिकंजी बनकर तैयार है। इसे एंजॉय कीजिए। रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए इस गर्मी में और एंजॉय कीजिए सभी।